बिहार के एक डिजिटल भिखारी की चर्चा इन दिनों खूब जोरों शोरों से हो रही है। इसका यह अंदाज है कि ये नॉर्मल भिखारी की तरह भीख नहीं मांगता बल्कि डिजिटल तरीके से भीख मांगता है। इसके गले में एक QR कोड की तख्ती लगी होती है जिसे लोग स्कैन करके इसे भीख देते हैं। बता दें कि ये भिखारी बिहार के बेतिया रेलवे स्टेशन पर रहता है और लोग इसे डिजिटल भिखारी के रूप में ही जानते हैं। लोग पहले कहते थे कि उनके पास छुट्टे नहीं है, पैसे नहीं है, इसीलिए इसने बैंक में एक खाता खुलवाया है और QR कोड अपने गले में टांग करके फिरता है कि कोई इसे भीख दे तो स्कैन करके भीख दे। गूगल पे, फोन पे, ये सारी चीजों से भीख लेता है। बता दें कि बेतिया रेलवे स्टेशन पर ही राजू बड़ा हुआ है और अब राजू ने अपने इस धंधे को बिल्कुल ही डिजिटल कर दिया है। लोग कहते हैं कि शायद ये बिहार का पहला डिजिटल भिखारी है, लेकिन राजू कहता है कि ये देश का पहला डिजिटल भिखारी है। आप भी इनमें राजू के इस डिजिटल तरीके से भीख मांगने के वीडियो को देखिए। बहुत भारी, बहुत लंबा। बता दें कि राजू को लोग मंदबुद्धि कहते हैं, लेकिन राजू की सोच स्मार्ट है। यह अलग बात है कि उसकी स्मार्ट सोच भीख मांगने जैसे काम के लिए है। उसके लिए उसके भीख मांगने के अंदाज के लोग कायल है। उसके बारे में स्थानीय लोग बताते हैं कि वह बचपन से ही यही भीख मांग रहा है। यहां बड़े ही अलग अलग अंदाज से भीख मांगता है, इसकी वजह से उसे आराम से भीख मिल जाती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब लोग छोटे पैसे नहीं है कहकर भीख देने से मना करने लगे तो उसने बैंक में जाकर एक खाता खुलवाया। उस बैंक के खाते खुलवाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। खाता खुलवाने के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। आधार कार्ड तो उनके पास पहले से ही था, लेकिन पैन कार्ड बनवाने के बाद उसका SBI की शाखा में खाता खुला, जिसके बाद उसने ई वॉलेट बनाकर गले में QR कोड की तख्ती टांग कर भीख मांगनी शुरू की, जिससे उसकी आमदनी बढ़ गई। अब लोग खुदरा पैसा नहीं है कहकर बात कहते हैं तो वो अपना QR कोड वाली तख्ती आगे कर देता है। भीख मांगने के इस अनोखे तरीके को देखकर लोग उसे स्कैन करके पैसे भी दे देते हैं। लोग उसे 1-2 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की भीख दे रहे हैं। राजू बताता है कि वो लालू यादव का बहुत बड़ा फैन है। लालू प्रसाद को अपने पिता जैसा मानता है। वह जिले में लालू प्रसाद के होने वाली सभी कार्यक्रमों में पहुंचता था। राजू कहता है कि लालू प्रसाद भी उसे बहुत पसंद करते थे। साल 2005 में लालू प्रसाद यादव के आदेश पर उसे सप्त क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस में पैंट्री कार से रोज खाना मिलता था। उसे 2015 तक हर रोज इस ट्रेन से खाना मिला। इसके साथ ही राजू खुद को PM मोदी का भक्त बताता है। वो नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया का भी दीवाना है। शायद नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया का दीवाना ही उसे इस QR कोड की तरीके पर ला खड़ा कर दिया, जहां वो लोगों से QR कोड स्कैन करके भीख लेता है। लोग अब ये नहीं कह सकते कि उनके पास खुदरा पैसे नहीं है, बल्कि लोग अब उसे QR कोड को स्कैन करके उसे भीख देते हैं और उसका भीख मांगने का यही अंदाज अब खूब वायरल हो रहा है। इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ PR के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।